आज की डिजाइन भी कुछ यूनिक होने वाली है। यहाँ पे वी शेप क्रिएट करना है। लाइक ट्रायंगल हेलो ब्लर है? नो, आपको ब्लर दिख रहा होगा, मैंने चेक किया है, सब बराबर है। हेलो हेलो एवरीवन, टुडेज टॉपिक अभी नहीं बताऊंगी, पहले हम थोड़ी सी डिजाइन कर लेते हैं। इट्स ब्लर, वो ब्लर होते रहेगा जैसे जैसे मेरा जो हैंड है वो अप डाउन जो हो रहा है उस वजह से ब्लर हो रहा है। फिर भी मैं क्लियर है ना अभी? ओके, सो स्केलअप के बाद हाफ राउंड पेटल्स वाली। अभी क्लियर है? ओके, इसलिए मैंने कमेंट ऑन रखा है ताकि ब्लर का कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे पता चले। थोड़ा सा स्टार्ट करके फिर मैं कमेंट ऑफ करती हूँ। तृष्णा हेलो,
पूनम, हेलो, क्या बोलूँ, बोलो। मैं तो पूरे लाइव सेशन में बोलती हूँ। सुबह 9 बजे से रात को 9 बजे तक डेली रेगुलर क्लासेस रहती है, तो सुबह से मेरा बोलना चालू होता है, रात तक चालू ही रहता है। हेलो बीना अग्रवाल, पूरा क्लियर है, ब्लर नहीं है। अभी आपका नेटवर्क इशू होगा, अभी मैंने चेक किया है, बराबर है। सेंटर पॉइंट में एक ल्यू ड्रॉ की है, देन डॉट, मेरे कोन का कोई टिप साइज नहीं है, मैं ओनली अपने मेजरमेंट से ही रखती हूँ। मैंने कभी पिन साइज यूज़ भी नहीं किए, मुझे पता भी नहीं है कि कैसे करते हैं। सो सेंटर पोर्शन में आपको मीडियम साइज का एक राउंड ड्रॉ करना है। आज की जो डिज़ाइन है बेस्ड ऑन मांडला डिज़ाइन,
बट मांडला डिजाइन थोड़ा बहुत सब लोग जानते होंगे या कुछ भी ऐसे राउंड राउंड ऐसे बनाते हैं, बट मैं थोड़ा सा कुछ अलग करने वाली हूँ उसमें। बारीक ग्रिड करके 1 बाय 1 बॉक्स को आपको फील करना है, 1 बॉक्स को एम्प्टी रखना है, सारे बॉक्सेस की साइज एक जैसी होनी चाहिए। डबल राउंड, देन स्केल अप, थोड़ा सा फ्लोरल टचअप देने वाली हूँ मैं मांडला में भी। सिंपल मांडला नहीं है। इसको पहले यहाँ के पोर्शन को मुझे कंप्लीट करना है। देन स्टार्टिंग पॉइंट से उसमें जिगजैग शेडिंग करनी है। देन टर्निंग पॉइंट पे यहाँ पे स्मॉल लीव्स ड्रॉ करनी है।
देन अगेन थोड़ा सा टर्न करना है, जिगजैग शेडिंग जो हम फ्लावर में करते हैं वही वाली शेडिंग करनी है। बहुत सारी लीव्स बनानी है। ये लिव्स इजी नहीं है, इसके लिए बहुत सारी प्रैक्टिस चाहिए आप लोगों को। See the look. ऐसा ही कुछ मैं मैचिंग करने वाली हूँ। हेलो सुधीर, वीडियो अपलोड नहीं होगा। बिकॉज मेरे IGTV पे कुछ प्रॉब्लम आ रही है, सो वीडियो अपलोड नहीं हो रहा है। नाइस लीव्स प्लस शेड, थैंक यू। आज नेटवर्क इशू है, मेरा नेटवर्क इशू नहीं है, मेरा तो पावर कट था आज सुबह से, पावर नहीं था। सो जस्ट लाइव सेशन के 5 मिनट पहले ही यहाँ पे पावर आया, मुझे लगा था कि आज लाइव सेशन कैंसिल करना पड़ेगा। बट आज पावर आ गया, सो अच्छी बात है। डार्क शेड हो जाता है लेकिन लाइट नहीं हो पाता है। लाइट के लिए आपको हैंड को ही लाइट रखना होगा,
लाइटली हैंड को आपको यूज़ करना होगा तो जाके लाइट शेड आएगा। डेली सेशन का टाइम 7 to 8 है, ऑलमोस्ट सारे डेज ख़त्म हो चुके हैं, बस 2 ही दिन बचे हैं जिन्होंने रिसेंट ज्वाइन किया है। यस, इस फीलिंग का कलर आता है अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है तो। मैं नॉट श्योर फॉर रेडीमेड कॉन। आज आपको ये राउंड बनाने के लिए कोई भी टूल यूज़ नहीं करना, लाइक बैंगल या कुछ भी नहीं, ये फ्री हैंड से ही आपको बनाना है। स्पाइरल ड्रॉ करना है, एक सीधा देन सेकंड स्पाइरल उसका अपोजिट। सो आज सबको पोस्ट मेंशन करनी है 13 और 14 डे। 2-3 लोगों की पोस्ट मैंने मेंशन की है, सो आप लोगों को आइडिया आ जाएगा कि बिफोर और आफ्टर का पिक कैसे रखना है। और आज और कल के दिन 2 दिन मैं किसी की भी पोस्ट रीपोस्ट नहीं करूँगी, बिकॉज बहुत सारे लोगों की पोस्ट आने वाली है। सो दैट्स वाई हम लोग सिर्फ देखेंगे और सबका जो भी रिजल्ट है वो हम 15 डे ही अनाउंस करेंगे। सो प्लीज़ आप लोग कॉल या मैसेज करके मत बोलना कि मैम हमारी पोस्ट रीपोस्ट नहीं किए। जिन लोगों की भी पोस्ट रीपोस्ट हुई है, 2-3 लोगों की मैंने आज पोस्ट मेंशन की है जस्ट फॉर द डेमो, कि आप लोगों को पता चल जाएगा कि आपको ऐसे पोस्ट करना है, आज की डिज़ाइन को पोस्ट नहीं करना है, बिफोर एंड आफ्टर की पिक को आपको पोस्ट करना है, ओनली फॉर आपकी स्टोरी में मेंशन करना है। और जो भी विनर होंगे उनकी पोस्ट, उनकी फोटो हम लाइव सेशन में आपको, आप सबको जरूर बताएंगे। कितने दिन पहले ही पिक लगानी है? आज आप लगा सकते हो। हम जो भी विनर का जो रहेगा, विनर की फाइनल लिस्ट कल बन जाएगी, सो हम परसों के दिन अनाउंस करेंगे। सो आज 8 बजे के बाद आप कल 8 बजे तक पूरे दिन आप स्टोरी मेंशन कर सकते हो।
बट मैं रीपोस्ट नहीं करूंगी, सो आप लोगों को तो पोस्ट करना है और मेंशन करना है। हाँ, मैंने मैंने जो डिज़ाइन सिखाई है ना, वो कंपलसरी है, आपको वही पोस्ट करनी है बिफोर एंड आफ्टर के पिक में। बिफोर का वक्त जो आपका जो भी वक्त था वो आप कर सकते हो, बट जो आफ्टर के पिक में जो भी डिज़ाइन है, 13 डेज में हमने जो भी सीखा है उसमें से जो भी आपका वर्क है, जो भी डिज़ाइन आपको अच्छी लगती है, आप उसको ऐड करके बिफोर एंड आफ्टर करके आप कर सकते हो। और उस पे आपका नाम जरूर लिखना है, अपना नेम लिखना भूलना नहीं है फोटो के ऊपर। कल मैं अपनी सिग्नेचर डिज़ाइन करवाने वाली हूँ हैवी लुक के साथ, सो कल का सेशन कोई भी मिस मत करना, बिकॉज़ परसों के दिन ज़्यादा टाइम जो है वो हमारा विनर अनाउंस में जाएगा। वाह, एक्साइटेड आई एम ऑल्सो। आज की डिजाइन का क्या नेम है? आज की डिजाइन का जो नेम है वो इंट्रोगेटेड मांडला डिजाइन है। सिंपल मांडला नहीं है ये, मेरे अपने वेरिएशन का लुक है। एज ए मांडला डिजाइन तो आप लोग सब बनाते हो, थोड़ा बहुत सब लोग जानते ही है, बट यहाँ पे मैं बहुत डिफरेंट ही करवा रही हूँ। नीतू मेहंदी मैम, आपने बोला था कि आज आप कैसे स्टोरी डालना है वो बताएंगे, तो स्टोरी मैंने मेंशन की है, दो चार लोगों ने स्टोरी ऐड करके किया है बिफोर एंड आफ्टर का पिक, तो आप मेरी स्टोरी में जाके देख सकते हो। मैंने 3 4 आर्टिस्ट की डिज़ाइन को पोस्ट किया है, तो आपको आइडिया आ जाएगा बिफोर के वर्क का एंड आफ्टर के वर्क का। ये मांडला डिज़ाइन हेवी लुक के साथ है, सिंपल नहीं है ये। सिंपल मांडला में आप बहुत सारे फिलर यूज़ कर सकते हो, यू कैन यूज़ चेक्स फ्लावर। पूनम श्रद्धा, उसके लिए आपको पर्सनल क्लासेस ज्वाइन करनी होगी।
ये फ्री सेशन है तो यहाँ पे ओनली डिजाइन की ही बात करो आप। फीस मैसेज करके आप बात कर सकते हो। थ्री थ्री पेटल्स आपको थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे ड्रॉ करनी है। इस तरीके से आपको सारी लीव्स के पैटर्न ड्रॉ करने हैं। देन एक लीव का जो सेटअप है उसको आपको डार्क करना है, देन सेकेंडली उसको आपको जिगजैग शेडिंग करनी है। एक पोर्शन डार्क, देन सेकेंड पोर्शन हमारा शेड के साथ रहेगा।
आप लाइट डार्क का कॉम्बिनेशन देख सकते हो, ये बहुत ही अलग लगने वाला है। अभी फिंगर्स में हम बहुत हैवी वेरिएशन लेंगे। बिफोर आफ्टर के पिक में आप आज की डिजाइन भी ऐड कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। बट बिफोर वर्क आपको कंपल्सरी ऐड करना है। आपने बहुत सारे मांडला डिज़ाइन किए होंगे बट शेडो लुक के साथ, लाइट डार्क के कॉम्बिनेशन के साथ नहीं बनाया होगा कभी। मेहंदी आर्ट बाय कृपा शाह, 13 डेज कहाँ हो गए पता ही नहीं चला। यस राइट। इस डिज़ाइन का नेम क्या है? इस डिज़ाइन का नेम है इंट्रोगेटेड मांडला डिज़ाइन। आपका क्रिएशन बहुत डिफरेंट होता है। यस सोनिया, जरूरी है कि 13 डेज में जो किया है वही पोस्ट करें? यस, आपने मेरा लाइव सेशन अटेंड किया है तो मैंने जो सिखाया है आपको वही पोस्ट करना है। यहाँ से हाफ राउंड लेना है। हिना भाई नाज, विल मिस यू सो मच, मिस यू लॉट्स ऑफ मच। हमारा मांडला डिजाइन है वो भी हैवी है, सो अकॉर्डिंग टू मांडला आपको फिंगर के पोर्शन को लाइट नहीं करना है, इसमें भी हैवी वेरिएशन ही आएगा बिकॉज हम कुछ जगह पे गैपिंग डिस्टेंस देने वाले, कुछ जगह पे गैपिंग दे रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको फिंगर पोर्शन पे हैवी ही वर्क करना है।
ये स्केल अब आप कितना फास्ट करते हो हमसे तो होता नहीं है। आप अभी न्यू हो, मैं इस फील्ड में बहुत पहले से हूँ, सो दैट्स व्हाई प्रैक्टिस। सेवन टू एट में रोज आपकी क्लास की याद आएगी। जो लोग लाइव देख रहे हैं उनको आईजीटीवी वीडियो देखने की कहाँ जरूरत है। आईजीटीवी वीडियो उन लोगों के लिए जो लाइव सेशन अटेंड नहीं कर पाते। फुल ट्रेडिशनल मेहंदी मैंने बता दी है, इंडियन डिजाइन मैंने ऑलरेडी करवा दी है, फुल्ली ट्रेडिशनल था वो। मैम रिप्लाई में कब पोस्ट करना है? आज 8 बजे से लेके कल 8 बजे तक आप कभी भी पोस्ट कर सकते हो। पोस्ट रीपोस्ट नहीं होगी, सिर्फ आपको पोस्ट करना है, मैं सबकी पोस्ट देखूंगी। इस डिज़ाइन को आप बैक साइड भी यूज़ कर सकते हो, फ्रंट साइड भी यूज़ कर सकते हो, बट जो लीव्स का जो लुक है वो फ्रंट साइड ही ज़्यादा अच्छा आएगा। बैक साइड में इतना इसका जो लुक है वो डिफरेंट नहीं लगेगा, तो फ्रंट साइड ज़्यादा अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच मोनिका जी, यू रियली थॉट सो वेल। हीना फॉर हैप्पीनेस बाय मीनास, मोस्ट वेलकम। बहुत याद आएगा आपका लाइव सेशन, मुझे भी। हम फिर से करेंगे लाइव सेशन, बहुत सारी डिजाइंस, बहुत सारे वेरिएशन, हम लाइव आते रहेंगे। जब भी मैं लाइव आऊंगी तो अचानक तो नहीं आऊंगी, कुछ भी सिखाना है मैं पोस्ट जरूर करूंगी। 10 to 15 days पहले तो वो आपको पता चल जाएगा। इससे हमारे यहाँ घेवर पैटर्न कहाँ जाता है? यस हो सकता है, बट घेवर पैटर्न नहीं है ये, इसको मांडला ही बोला जाता है। हाँ, डिफरेंट डिफरेंट सिटीज में, डिफरेंट स्टेट में कुछ डिज़ाइन को अलग नेम से भी बोला जाता है। मेरे यहाँ पे डॉट रह गए। लाइव में ध्यान इधर उधर नहीं होता है, बिकॉज आप इतने अच्छे से सिखाते हो।
जो भी लाइव सेशन के टाइम मुझे कॉल करेंगे मैं उसको ब्लॉक कर दूंगी। यहाँ हम डिजाइन कर रहे और यहाँ पे कॉल कर रहे सब। फिंगर के पोर्शन पे क्या नहीं करना है मैंने कुछ बताया था आप लोगों को, किस किस को याद है? चलो जल्दी जल्दी बताओ। गुस्सा? यस यस यस, गुस्सा नहीं, फास्ट नहीं जाना है। फास्ट तो वैसे ही नहीं जाना है, बट मैंने फिंगर की कुछ मेन बात बताई थी सबको। सो किस किस ने फॉलो किया है अभी तक? कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ कि नहीं गुस्सा कंट्रोल करने से? गुस्सा नहीं निकालना है फिंगर पे। यस जिनको आता होगा उनको ये मेरी बात सुन के जरूर याद रहेगा, जब भी फिंगर की डिजाइन करेंगे तब। जिन्होंने कंट्रोल किया है उनकी डिजाइन में इम्प्रूवमेंट हो गया होगा, उनको पता चल गया होगा। गुस्से से किया हुआ कोई भी काम हमेशा बिगड़ता है, ये तो आपको सबको पता होगा। अल्टीमेट मेहंदी? मैंने आज तक मेहंदी पे गुस्सा नहीं किया है। नाइस। मुझे एक चीज आपकी बहुत याद आएगी, बोल दूँ? हाँ बोलो। मुझे नहीं अच्छी लगती फिंगर की डिजाइन करनी, तो क्या फिंगर को हम काट काट दे, क्लाइंट की किसी भी फिंगर को उड़ा दे? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। मुझे कल गुस्सा आ रहा था पर मुझे आपकी बात याद आ गई। नाइस। हमेशा रहेगी वो तो। मैम आपको बैक पेन होता है? यस, एवरी मेहंदी आर्टिस्ट को होता है वो तो, लॉन्ग टाइम तक मेहंदी करना।
आपकी स्माइल एंड योर वॉइस आर वेरी वेरी ऑसम, थैंक यू। तो देखो मैं तो बहुत पेशेंस ही फिंगर करती हूँ, मेरी मेहंदी में मेरी फिंगर की डिज़ाइन ही ज़्यादा अच्छी होती है, मैं गुस्सा नहीं निकालती हूँ। Then to Monica handle it with smile. I have experience. एज अ मानला डिजाइन ही नहीं है, मेरी एवरी डिजाइन में कुछ ना कुछ यूनिक ही रहता है, बट काफी लोगों को इसका नॉलेज नहीं है, सो इस वजह से मैंने आज मानला डिजाइन करवाई है, बट इन माई स्टाइल। लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम कोलकाता, थैंक यू रितु। बहुत सारे लोगों के बहुत सारे कमेंट आए थे कि मैम ये सिखाओ वो सिखाओ, सबका मैंने नोट डाउन किया है, हम आने वाले लाइव सेशन में हम कुछ ना कुछ करेंगे, ऐसा नहीं है कि मैम ने हमारी रिक्वेस्ट नहीं एक्सेप्ट की या सुना नहीं। मैं नहीं चाहती कि मैं डेली आके आपको पकाऊं और डेली आप बोर हो या किसी का खाना बनाने में लेट हो, कुछ टाइम बाद वापस हम लाइव सेशन प्लान करेंगे। मैंने सेल्फ मेहंदी सीखा है और अब आपसे सीख रही हूँ, सो हाउ इज योर एक्सपीरियंस? बोर तो बिल्कुल नहीं होता है। नाइस। मैं बोरिंग होने जैसे डिजाइन भी नहीं करवाती हूँ ना, कोई भी बोर तो पॉसिबल नहीं है कि हो। आप प्रॉमिस करो कि वापस लाइव सेशन करोगे, उसके लिए हम बहुत प्रैक्टिस करेंगे और तैयार रहेंगे आपके आइडियाज एंड टैलेंट को चार चांद लगाने के लिए। या डेफिनेटली श्योर मैं करूंगी। आपके सेशन की वजह से मुझे जल्दी खाना बनाने की आदत लग गई।
कुछ लोगों को तो पहले ही ऐसा लगा होगा कि मान लो डिजाइन है, हमको तो आती है, वो तो सबको आती है, बट आप यहाँ पे मुझसे सीख रहे हो तो समथिंग कुछ यूनिक ही रहेगा। कोई भी डिजाइन ऐसी नहीं होगी जो आपको आती होगी। अमेजिंग एक्सपीरियंस, आपने इतना अच्छा सिखाया, याद रहेगा। थैंक यू दीबा मेहंदी आर्ट। जल्दी लाइव सेशन रखना। यस, रखेंगे थोड़े दिन बाद, बिकॉज अभी मेरे ब्राइडल के सीजन चालू है, सो मेरे ऑर्डर्स भी स्टार्ट है। इट्स वंडरफुल एक्सपीरियंस टू लर्न इन दिस सीजन, मेहंदी बाय सैली। थैंक यू। मेहंदी बाय जयश्री, इट्स सुपर एक्सपीरियंस विथ यू डियर। थैंक यू। अच्छा, जिन जिन को डाउट था कि लाइव क्लासेस एंड ऑनलाइन क्लासेस में अच्छे से मेहंदी सीख सकते हैं क्या, ऐसा होता है क्या, सो ऐसे लोगों को जिनको डाउट था, मे बी मेरे हिसाब से लाइव सेशन में उनका ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि इट्स नॉट कंपलसरी कि आप ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करो और ऑफलाइन क्लासेस में ही वर्क अच्छा हो सकता है, लाइव क्लासेस एंड ऑनलाइन क्लासेस में भी बहुत अच्छे से आप कर सकते हो। डिपेंड ऑन यू कि आपने क्लासेस कहाँ ज्वाइन की है, सो उसी पे डिपेंड है। देन अगेन हम वापस से लीव्स यहाँ पे करेंगे। यू आर माई फर्स्ट मेहंदी टीचर, थैंक यू सो मच रश्मि मेहंदी आर्ट। नाइस एक्सपीरियंस विथ एंड योर टेक्निक्स, थैंक यू। अक्षता, मोस्ट वेलकम। अगेन हम मैचिंग करेंगे शेड के साथ। चंचल प्रजापत, मुझे भी कभी रिप्लाई। वी एंजॉय योर क्लासेज एंड वेरी हैप्पी टू लर्न फ्रॉम यू, थैंक यू। मैंने तो अच्छा सिखाया या नहीं सिखाया ये तो आप लोगों को पता होगा, बट आप लोगों ने कितना वर्क किया है वो भी आपको पता होना चाहिए। जिन लोगों को कुछ समझ में नहीं आया, जिनको कुछ भी नहीं आता है, तो उन्होंने कहीं ना कहीं हार्डवर्क नहीं किया होगा या कुछ ना कुछ मिसिंग किया होगा, तो उसी वजह से। बट हमारा जो सेशन था वो एकदम स्टेप बाय स्टेप था, सो हार्डवर्क इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। रीमा मेहंदी आर्ट, मैंने पैसे भर कर भी इतना अच्छा नहीं सीखा, आपको बहुत सारा थैंक यू। यू मोस्ट वेलकम। नेक्स्ट बार टाइमिंग कुछ अलग रखना। यस, वील डिसाइड।
इवन मुझे भी आप लोगों के साथ बहुत अच्छा लगा। कितने सारे लोगों को मैं जानती नहीं थी, मुझे सबके नाम भी याद हो गए 15 डेज में। सबका फ्री लाइव क्लास होता है लेकिन मेहंदी का किसी ने नहीं किया, बट आपने किया, सो थैंक यू सो मच इतना सिखाने के लिए। मोस्ट वेलकम चेतू। मैंने फर्स्ट डे ही बोला था कि मैं यहाँ पे टाइम पास करने के लिए तो आई नहीं हूँ, आप लोगों को सिखाने आए हो तो जरूर कुछ ना कुछ सिखा के ही जाऊंगी। रबीना हिना थैंक यू। यहाँ पे इस तरीके से हाफ लीव्स को ड्रॉ करना है। यस, मैंने फिंगर टिप्स के ऊपर ही लिया है। जिनको फिंगर टिप करना है तो आपको ये डिजाइन थोड़ी सी नीचे लेनी होगी। अगर फिंगर टिप आपको करना है तो मैंने फिंगर टिप के हिसाब से थोड़ा ऊपर तक लिया है, तो स्मॉल स्मॉल फिंगर टिप आप इतना फिंगर टिप कर सकते हो, बाकी सब में नहीं आएगा। हीना बाई प्रीति, जिसको ज़्यादा पता नहीं है मेहंदी कितने टाइम लगेगी सीखने में, तो कुछ आर्टिस्ट नहीं मेहंदी 5-7 दिन में ही पूरी क्लासेस करवा दी, बहुत पैसे देने के बाद भी कुछ नहीं आया। मैंने 2 मंथ क्लास किए बट उसमें जितना सीखने को नहीं मिला जितना आपके साथ 15 डेज में सीखने को मिला, अच्छे से सिखाया, थैंक यू जानवी। सो अभी यहाँ पे हमारा थोड़ा सा वर्क इनकम्प्लीट है। रबीना दी लेमन पानी का बताए, अगर आपको हैंड पे लेमन शुगर वाटर अप्लाई करना है तो 1 लेमन आपको लेना है, उसमें 1/2 स्पून शुगर ऐड करनी है मेहंदी पे अप्लाई करने के लिए। 1 लेमन 1/2 स्पून शुगर, तो ये थोड़ा सा देखो फ्लावर जैसा फ्लोरल लुक ही दे रहा है एकदम से। मांडला डिजाइन इज समथिंग डिफरेंट।
जिन जिन ने आज लाइव सेशन मिस कर दिया उनको ये डिजाइन नहीं पता चलेगी। अगर आपको पूरे फिंगर टिप्स यूज़ करने हैं तो ये पैटर्न थोड़ा सा आपको नीचे की साइड से स्टार्टअप करना है, अगर आपको फिंगर टिप्स पूरे चाहिए तो। जय मयूरी, आपने जो सिखाया, आपकी जो टेक्निक्स है, वो पैसे देने के बाद भी नहीं सीखने को मिलती। थैंक यू। अभी जस्ट मैं बता रही हूँ आपको फुल लुक डिजाइन का, जस्ट अ मिनट, मैं इसको सेट कर लूँ। सो सबको पता चल गया होगा कि आज का जो मांडला डिज़ाइन है वो एकदम से डिफरेंट ही है। ओके, बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन।